I think the best way of describing our Jammu and Kashmir as affected by terrorism than by saying it actually a conflict place. This is a terminology which is used by the, you know, usually by the adversary. Some other day we will have a debate on this, but however, जो आपका सवाल है उसका जो मैं समझता हूँ वो आप ये कहते हैं कि ये तीन लॉज एक जे एंड के जैसे स्पेशल सिचुएशन में किस तरीके से मदद करेगा, तो मैंने वो इनॉग्रेशन सेरेमनी में भी अपनी स्टेटमेंट में स्पीच में ये कहा कि इस कानून में एक ज़बरदस्त तरीके से एक बैलेंस है। ये बैलेंस जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, उसको पूरा माइंड में रखते हुए, यानी कि पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल इंटेग्रिटी, इस चीज़ को बरकरार रखते हुए, इसको संभालते हुए आप किस तरीके से जंग को जीतेंगे। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई भी कानून के सिस्टम पे में ये इरादा नहीं है कि आप इंडिविजुअल राइट्स को बचाते बचाते जिस नाव पर आप सवार हैं उस नाव को ही डुबो दें। उस नाव में सब कोई सवार है, आप भी हैं, मैं भी हूँ, उसी में सारे तंत्र हैं, उसमें जुडिशियरी भी है, उसमें पुलिस भी है, प्रोसिक्यूटर भी है, अक्यूज्ड भी है, विक्टिम भी है। तो नाव बहुत इम्पोर्टेंट है, उस नाव का रक्षा करना, उस नाव को बनाए रखना, उसको तैरते हुए रखना बहुत ज़रूरी है। तो एक कहीं बार ऐसा सिस्टम होता था, हमको लगता था कि साहब इस की बैलेंस बिगड़ जाती है। देखो, एक आम नागरिक के तौर पर जैसे चीफ जस्टिस साहब ने भी अपनी तकरीर में कहा कि विक्टिम को भी तो इस बात की तकलीफ होती है कि मुझे सताया हुआ बंदा, मुझ पर हमला किया हुआ बंदा, उसको सजा नहीं मिल पा रहा है। या जैसे मैं कई बार कहता हूँ कि पिछले तीन दशकों में या उससे ज़्यादा 35 साल के अंदर जो 45 से 46 हज़ार की जो मौत हुई है, उसमें से सीधी सी बात है कि 6 हज़ार के करीब जो पुलिस और आर्मी और पैरामिलिट्री और सिक्योरिटी फोर्स की शहादत, उसको छोड़ दीजिए, सीधा सीधा आंकड़े बताते हैं, उसमें कोई माने डाइल्यूशन नहीं है, कोई झूठापन नहीं है। कभी भी किसी भी डिबेट में हमारे पास ऑथेंटिक एविडेंस है कि 12 हज़ार के करीब लोग जो इन्होंने यहाँ पर जाने खोई हैं वो टेररिस्ट के हाथ खोए हैं। करीब करीब 23 हज़ार के करीब टेररिस्ट भी मारे गए हैं। 12 हज़ार ऐसे लोग हैं जिसमें ग्रुप मास मर्डर भी है, औरतों की भी जाने हैं, लोगों की भी जाने हैं, मुखबिर की ठप्पा लगा के उनकी भी जाने ली गई है। तो उन्हीं लोगों ने कोर्ट बनाया, उन्हीं लोगों ने उसको जज भी बना, प्रोसिक्यूटर भी बनी, पुलिस, ये सब हुआ है। इससे हम भाग नहीं सकते हैं, मतलब मेरा तो जिम्मेदारी है कि मैं भाग नहीं सकता हूँ, सरकार और स्टेट का भी जिम्मेदारी है कि भाग नहीं सकते, उसमें मैं भी शामिल हो सकता हूँ, आप भी शामिल हो सकते हैं, कई सारे जर्नलिस्ट्स भी इसमें अपने जाने खोई हैं। तो वो यहाँ तक कि जो दुश्मन है उन्हीं के बीच में भी जो है कत्लें हुई हैं, उसको भी, उनको भी जस्टिस दिलाना, वो तब दे पाएंगे ना जब सच्चाई सामने आएगी। और सच्चाई तभी सामने आ पाएगा जब एक रूल ऑफ लॉ में, जैसे मैंने कहीं और भी कहा है कि खौफ के नीचे अगर हम काम करेंगे तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आपसे स्टेटमेंट ले पाएगा, आप विटनेस के तौर पे कोर्ट में जाके बेखौफ उसमें स्टेटमेंट दे पाएंगे, प्रोसिक्यूटर बेखौफ जाके उसने कहेगा कि सच ये है जनाब करेगा, जज भी अपने हिसाब, वो प्रज्यूम करता है, सिस्टम अज्यूम करता है कि ये नॉर्मल रूल ऑफ लॉ तभी काम करेगा जब खौफ नहीं होगा या मिनिमल होगा। अब वह खौफ का मात्रा अगर इस तरीके से बढ़ गया ताकि वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी अपने हिसाब से जी चुरा रहा है, विटनेसेस कहता है जाने दीजिए जी, अब
प्रोसिक्यूटर अपने जगह में बोल नहीं पा रहा है, जज अपने जगह पे डरा, वो सिस्टम को अगर हाईजैक कर लिया जाए टेरर और खौफ के जरिए तो फिर क्या होगा। और वही जो जिन लोगों ने इसको करते हैं वही इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये रूल ऑफ लॉ ही नहीं है। तो रूल ऑफ लॉ लाने के लिए खौफ को कम करना ज़रूरी है। तो आज तक हम लोगों ने, पुलिस ने बहुत मात्रा में हमारा एनर्जी, हमारा ताकत हमने लगाया हुआ था बम और गन को कंट्रोल करने में, तो उसको कम करने के साथ साथ हमें इस चीज़ की एहसास हुई कि हम मैंने एडवर्सरी की चुंगल में फंस रहे हैं, यानी कि वो नहीं चाह रहा है रूल ऑफ लॉ, हम चाहते हैं। इसलिए इन कानून के सहारे, ये कानून आया और ये कानून एक एनाबलर है, एक बूस्टर है, एक मददगार फ्रेमवर्क है, जिसके तहत हम रूल ऑफ लॉ के सहारे इसको लड़ना भी चाहेंगे।